हाय एवरीवन, दिस इज मी हबीबा शबीर। आज हम देखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन सी प्लस प्लस। प्रेसिडेंस हमने बचपन में पढ़ा था, बहुत फेमस रूल होता है इसका, बोट मास। आई होप आपको याद आ गया होगा। बोट मास स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स ओवर ओपन डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर मैं लिखती हूँ एक एक्सप्रेशन, फोर मल्टीपल टू माइनस वन, अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिखती हूँ तो इसमें क्या होगा, अगर कहीं पे भी किसी एक ऑपरेंड पर दो ऑपरेटर्स यूज हो लग रहे हैं, जैसे इधर टू ऑपरेंड पर दो ऑपरेटर लग रहे हैं, तो वहाँ पे हम ऑपरेटर की प्रेसिडेंस देखेंगे। बोट मास से मल्टीप्लीकेशन डेट इज अबव सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम फोर मल्टीपल टू को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम माइनस वन को सॉल्व करेंगे। तो ये होती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब हम इसका एक टेबल देखते हैं। अब जैसे ये हमारे पास एक टेबल है, टेबल में जिसकी प्रेसिडेंस हाई होगी उसको टॉप में रखेंगे और जिसकी प्रेसिडेंस लो होगी इसको हम बॉटम में रखेंगे। अब यहाँ पे हम एसोसिएटिविटी देखते हैं कि एसोसिएटिविटी होती क्या है। अगर हमारे कुछ ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम है तब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ऑपरेटर पहले यूज़ करना है और कौन सा बाद में। इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी हमें ये बताता है अगर हमारे सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर हैं तो हमें ऑपरेशंस कैरी आउट करना है, वो लेफ्ट टू राइट कैरी आउट करना है या फिर राइट टू लेफ्ट कैरी आउट करना है, ठीक है, वो भी इस टेबल में देखेंगे। अब इस टेबल में हाई प्रेसिडेंस किसकी है, ब्रैकेट्स की पैरेंथेसिस की हाई प्रेसिडेंस है। अगर इसके अंदर भी पैरेंथेसिस के अंदर भी पैरेंथेसिस होती है तो पहले हम इनर पैरेंथेसिस को सॉल्व करते फिर आउटर पैरेंथेसिस को सॉल्व करते, फिर उसके बाद पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट। इसके बाद हम प्लस यूनरी ऑपरेटर्स को देखेंगे और उसके बाद माइनस यूनरी ऑपरेटर को यूज़ किया है। अब जब मल्टीपल डिवाइड और मोड इकट्ठे आते हैं तो इनकी प्रेसिडेंस तीनों की बराबर होती है, हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। मल्टीपल डिवाइड और मोड जब इन ये इकट्ठे आते हैं तो इनकी तीनों की प्रेसिडेंस जो है वो बराबर होती है, तो हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है। इसके बाद प्लस और माइनस अगर ये इकट्ठे आ जाएं तो हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है। और अगर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स प्लस इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू या फिर मोड इज इक्वल टू या डिवाइड इज इक्वल टू आ जाता है तो इन सब की प्रेसिडेंस सबसे नीचे आएगी। तो इसमें हम लोग जो चेक करेंगे वो चलेंगे राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ठीक है। इसकी एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ्ट। अब उसके बाद हम देखते हैं ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस का कोड, ठीक है। अब इधर मैं कोड करती हूँ। सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखेंगे, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std semicolon int main curly brackets open and close int a। हम मैं फोर वेरिएबल्स को लूंगी और जो मेरा फिफ्थ वेरिएबल होगा उसमें मैं अपनी रिजल्ट वैल्यू को स्टोर करूंगी। a कॉमा b कॉमा x कॉमा y, ठीक है। और ये जो मैं वेरिएबल ले रही हूँ इसमें मैं अपना रिजल्ट स्टोर करूँगी इन फोर वेरिएबल्स का रिजल्ट, उसके बाद सेमीकोलन आ जाएगा। अब मैं वैल्यू असाइन करती हूँ, ए इज इक्वल टू सिक्स कॉमा बी इज इक्वल टू टू कॉमा एक्स इज इक्वल टू फोर कॉमा वाई इज इक्वल टू फाइव सेमीकॉलन। उसके बाद
रिजल्ट इज इक्वल टू, मैं एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ, प्रिसिडेंस एसोसिएटिविटी का एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ, ए मॉड ए डिवाइड बी प्लस एक्स मल्टीपल वाई माइनस 10, ठीक है। मैं ये एक्सप्रेशन लिखती हूँ, उसके बाद क्या लिखा है, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन के बाद इसको सी आउट करवाती हूँ, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट रिजल्ट, रिजल्ट इज, और फिर इंसर्शन ऑपरेटर एंड रिजल्ट आ जाए, और एट द एंड क्या आएगा, सेमी कॉलन, और रिटर्न 0 करवा दूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करती हूँ, सेव करती हूँ और रन करती हूँ। अब ये देखें मेरे पास रिजल्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 313 आ जाएगी। ये कैसे है, ये अब इसको देखते हैं हम। सबसे पहले 13 कैसे आया, सबसे पहले हम लोगों ने ए डिवाइड बी किया, ए की वैल्यू क्या है, 6, 6 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू क्या है, 5, 4, 5 को 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20, ठीक है। तो 20 इधर लिखेंगे, और फिर उसके बाद क्योंकि जिसकी हाई प्रेसिडेंस थी हमने पहले उसे सोल्व करना था, हमारे पास डिवाइड की हाई प्रेसिडेंस थी, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया और फिर माइनस किया। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, -10, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। और मेरा सेकंड स्टेप होगा, अब उसके बाद प्लस प्रेसिडेंस को सॉल्व करेंगे तो 3 + 20 करेंगे तो क्या आता है, 3 + 20 23, 23 माइनस 10, तो क्या किसकी इक्वल आ जाएगा, 23 को माइनस करेंगे 10 से तो 13 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये एक्सप्रेशन सॉल्व हुआ है। सबसे पहले हम लोग डिवाइड के सिंपल ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई को, फिर हम प्लस को और फिर माइनस को सॉल्व करेंगे, तो इस तरह मेरे पास 13 आउटपुट में आता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या किया, मैंने 4 वेरिएबल्स लिए हैं, ए बी एक्स एंड वाई, और ये जो फिफ्थ वेरिएबल है इसमें मैं जो अपने एक्सप्रेशन की रिजल्ट को स्टोर करवाऊंगी, ए की बी को एक्स को और वाई को वैल्यू असाइन की, उसके बाद मैंने एक्सप्रेशन लिखा और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू वो मैं रिजल्ट में स्टोर करवाऊंगी, सी आउट कर दिया, सी आउट में मेरा रिजल्ट आ जाएगा 13। तो इस तरह ऑपरेटर प्रेसिडेंस इस तरह करते हैं हम, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, इसको हम C++ में क्यों यूज करते हैं, एस्केप सीक्वेंस को वो आज देखते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपने आपने जो भी आउटपुट दी है इसके फॉर्मेट को कंट्रोल करने के लिए जो स्पेशल करेक्टर यूज करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एस्केप सीक्वेंस। ये करेक्टर जो है आपको आउटपुट स्क्रीन पर नजर नहीं आएगी, ये करेक्टर यूज करने से आपकी जो आउटपुट है, जो भी आउटपुट आई है वो स्क्रीन पे नजर नहीं आएगी, बल्कि इसका इफेक्ट आपको नजर आएगा, ठीक है। जो भी एस्केप सीक्वेंस यूज करेगा इसका कॉम्बिनेशन आएगा बैक स्लैश के साथ, ठीक है। तो बैक स्लैश को C++ में हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। इन सब का एस्केप सीक्वेंस का इफेक्ट चेक करेंगे अब हम वन बाय वन। अब सबसे पहले ये जो मेरे पास एक टेबल है और टेबल में कुछ एस्केप सीक्वेंस गिवन है, जैसे बैक स्लैश बी है, बैक स्लैश डी है, तो बैक स्लैश एन है न्यू लाइन के लिए, बैक स्लैश टी टैब के लिए, और बैक स्लैश बी जो है वो बैक स्पेस के लिए यूज होता है, बैक स्लैश एन कैरेज रिटर्न के लिए, बैक स्लैश डबल कोट्स, बैक स्लैश सिंगल कोट्स, और फिर बैक स्लैश सिंबल, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इनको, इन सब स्केप सीक्वेंस का इफेक्ट चेक करेंगे बाय यूजिंग इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले मैं देखती हूँ बैक स्लैश बी को यूज करते हुए मैं एक अपना प्रोग्राम लिखती हूँ,
मेन्यू फाइल को ओपन कर लेती हूँ, उसमें हेडर फाइल हैश इंक्लूड इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD। उसके बाद मैं लिखूंगी मेन ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज, फिर मैं लिखूंगी सी आउट डबल कोट्स हेलो, बैक स्लैश बी का यूज करूंगी और वर्ड लिखूंगी। उसके बाद क्या करूंगी, इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करूंगी और एंटर। अब मैं इसको सेव करती हूँ, एस्केप के नेम से सेव करती है, इसको रन एंड एक्सिक्यूट करवाती हूँ, तो देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। ये हमारी आउटपुट है, ये हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये देखें, आप देख रहे होंगे कि हेलो वर्ल्ड का जो ओ है वो रिमूव हुआ हुआ है। ठीक है, बैक स्लैश को आपके कीबोर्ड में बेसिकली दो ऐसे करेक्टर्स हैं जो सिंगल करेक्टर को रिमूव करते हैं, इनमें एक बैक स्लैश है और एक टैब है। ठीक है, डिलीट हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ होता है और लेफ्ट से राइट की तरफ सिंगल करेक्टर को खत्म करता है, लेकिन जो बैक स्लैश का जब हम यूज करके डिलीट करते हैं तो वो राइट से लेफ्ट की तरफ मोड मूव करता है। अब आप देखेंगे हेलो के बाद मैंने बैक स्लैश बी का यूज किया था, तो उसमें क्या है, जो जीरो है वो मेरा रिमूव है, क्योंकि बैक स्लैश बी क्या करता है कि वो राइट से लेफ्ट की तरफ रिमूव करता है। अब उसके बाद हम देखते हैं, हम नेक्स्ट जो बैक स्लैश जी को यूज करते हुए अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि बैक स्लैश बी किस तरह यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम करते हैं बैक स्लैश डी का यूज, इसमें सी आउट हेलो वर्ड हेलो वर्ड बैक स्लैश टी वर्ड लगा देंगे। उसके बाद एंडल। अब इसको हम रन करके देखते हैं क्या आउटपुट में आता है। अब ये देखें, आउटपुट में क्या आया, हेलो फिर उसके बाद स्पेस और फिर क्या है वर्ड। ठीक है, ये देखें, बेसिकली बैक स्लैश टी का हम यूज करते हैं स्पेस के लिए, यानी कि टैब का इजाफा करने के लिए हम बैक स्लैश का यूज करते हैं। अगर हम लोग इस तरह करते हैं कि जैसे ही कीबोर्ड से कोई टैब को प्रेस किया तो स्पेस देगा, अगर बैक स्लैश टी भी करते हैं तो स्पेस आ जाएगी। बेसिकली कीबोर्ड पे दो कीवर्ड्स हैं जिससे हम लोग बैक स्लैश स्पेस का यूज कर सकते हैं, एक तो टैब से और दूसरा बैक स्लैश टी का यूज करते हुए हम स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, और टैब और बैक स्लैश टी का दोनों का सेम फंक्शन है। अब हम उसके बाद देखते हैं, बैक स्लैश टी को ही यूज करते हुए हम एक टेबल बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टेबल डिस्प्ले करना है जिसमें उसका नंबर उसका स्क्वायर और क्यूब, उसको मैंने कैसे डिस्प्ले करवाना है वो देखते हैं। सी आउट सबसे पहले हेडर फाइल मैंने वही रहने दिया, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर्स, फिर मैं क्या लिखूंगी नंबर 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 के बाद बैक स्लैश टी, फिर स्क्वायर और फिर बैक स्लैश टी का यूज करेंगे और फिर क्या है क्यूब और फिर एंडल। अब ये देखिए, इधर टी लगाइए,
सिमिलरली हम कोई सा भी नंबर देंगे, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर्स, वन बैक स्लैश टी, फिर उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर वन को मल्टीपल करेंगे वन के साथ, वन को मल्टीपल करेंगे वन के साथ स्केयर के लिए, और फिर इसके साथ इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, और फिर क्या आ जाएगा, बैक स्लैश टी आ जाएगा। इसको हम लोग डबल कोट्स में लिखेंगे, इसको भी। उसके बाद हम इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करेंगे और वन को मल्टीपल करेंगे, क्योंकि हमने क्यूब निकालना है तो क्यूब के लिए हम वन को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करेंगे और एट द एंड क्या आएगा, एंड। इसी तरह सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स टू बैक स्लैश टी, फिर इंसर्शन ऑपरेटर वन मल्टीपल टू, सॉरी क्यूब के स्क्वायर के लिए टू मल्टीपल टू, टू मल्टीपल टू। उसके बाद क्या आएगा, इंसर्शन ऑपरेटर्स, फिर हम लोग डबल कोट्स में बैक स्लैश टी का यूज़ करेंगे, और फिर इंसर्शन ऑपरेटर्स, और फिर टू को ट्रिपल टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, टू मल्टीपल टू मल्टीपल टू। उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर एंड एंडल। सेमी कॉलन आएगा, उसके बाद सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स थ्री बैक स्लैश टी, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर थ्री को हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे स्केयर के लिए, और फिर इंसर्शन ऑपरेटर आएंगे, फिर हम लोग बैक स्लैश टी का यूज करेंगे, फिर इंसर्शन ऑपरेटर और थ्री मल्टीपल थ्री, थ्री टाइम मल्टीपल थ्री को मल्टीप्लाई करवा देंगे, और फिर क्या यूज करेंगे, एंडल, एंडल के बाद सेमी कॉलन। इसी तरह सी आउट बैक स्लैश टी वो डबल कोट्स फोर बैक स्लैश टी, और इंसर्शन ऑपरेटर फोर मल्टीपल फोर, और फिर इंसर्शन ऑपरेटर फिर डबल कोट्स बैक स्लैश टी और इंसर्शन ऑपरेटर फोर मल्टीपल फोर, और फिर क्या आ जाएगा, इंसर्शन ऑपरेटर और एंड। इसी तरह हम लोग सी आउट प्रिंट करवाएंगे फिफ्थ वैल्यू को, डबल कोट्स फाइव बैक स्लैश टी, और फिर इंसर्शन ऑपरेटर फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे फाइव के साथ, और इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स बैक स्लैश टी एंड इंसर्शन ऑपरेटर फाइव को टेट्रा ट्रिपल टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीपल फाइव मल्टीपल फाइव, और एट द एंड इंसर्शन ऑपरेटर एंड एंडल का यूज करेंगे, और हम रिटर्न जीरो करवा देंगे, उसके बाद सेमी कॉलन। अब हम इसको रन करवाएंगे, एक दफा चेक कर लेते हैं कोई मिसिंग तो नहीं है कोई चीज, नंबर स्क्वायर क्यूब, उसके बाद बैक स्लैश वन बैक स्लैश टी का यूज करते हो, वन मल्टीपल वन बैक स्लैश टी वन मल्टीपल, ओके। अब हम इसको रन करते हैं, तो ये देखें, मैंने एक नंबर लिया, उसका स्क्वायर लिया और उसका क्यूब, उनको उनका स्क्वायर लेना है और उसका क्यूब लेना है, तो हम इस तरह उसको टेबल में लिख सकते हैं बैक स्लैश टी का यूज़ करते हुए। हम इसमें टैब का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो अभी प्रोग्राम किया उसमें बैक स्लैश टी को यूज़ करते हुए हम लोगों ने एक टेबल बनाया है, ठीक है, उसका स्क्वायर लिया है और उसका क्यूब,
ओके क्लास, ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि बैक स्लैश टी का यूज करते हुए हम किस तरह कोई सा भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं बैक स्लैश एन का यूज करते हुए। बैक स्लैश एन किस लिए यूज होता है? बैक स्लैश एन न्यू लाइन पे जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रिंट करवाती हूँ हेलो वर्ल्ड को, हेलो वर्ल्ड, बैक स्लैश एन और वर्ड और सेमी कॉलन आ जाएगा एंड। अब मैं इसको रन करती हूँ तो आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, बैक स्लैश एन जो हम यूज करते हैं वो न्यू लाइन पे जाने के लिए है। जिस तरह हम लोग कोई टेक्स्ट लिख रहे हो तो उसमें एंटर कीवर्ड का यूज करते हैं, तो इसी तरह बैक स्लैश में हम सी प्लस प्लस में जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हम बैक स्लैश एन का यूज करते हैं, ठीक है, न्यू लाइन पे जाने के लिए। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हम एस्केप सीक्वेंस के सब फीचर्स को यूज कर रहे हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं बैक स्लैश आर। बैक स्लैश को आर का यूज करते हुए हम एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाते हैं, सी आउट हेलो हेलो बैक स्लैश आर एंड ड्रॉप वर्ड। उसके बाद इसको हमने डबल कोट्स में लिखना है। और इसके बाद क्या आ जाएगा? एंडल। अब इसको रन करते हैं। ये देखें, ये ओवरराइड कर देगा, यानी कि और रिवर्स कर देगा, कंट्रोल को दोबारा स्टार्ट में ले आएगा, जैसे पहले हेलो वर्ड था, और वर्ड को पहले स्टार्ट में ले आएगा और फिर हेलो के जो भी वर्ड रहते प्रिंट होने के होने वाले वो बाद में उसके वर्ड के बाद आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हेलो और वर्ड के करेक्टर सेम है इसलिए ओवरराइट कर देगा, ठीक है। वर्ड जो है वो हेलो के 5 वर्ड को यूज कर लेगा, और जैसे ये देखिए वर्ड के कितने डिजिट है, 4 वर्ड है, ठीक है, वो हेलो 1 2 3 4 5 इसमें वो प्रिंट हो जाएगा वर्ड में, और बाकी जो 3 O है वो उसके साथ प्रिंट हो जाएगी, आउटपुट में आ जाएगी, ठीक है। बैक स्लैश आर किस लिए यूज करते हैं? ओवरराइट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये प्रोग्राम को ओवरराइट कर देगा, यानी कि रिवर्स कर देगा, कंट्रोल को दोबारा स्टार्ट में ले आएगा, जैसे ये वर्ड को दोबारा स्टार्ट में ले आएगा, ठीक है। आई होप आपको एस्केप सीक्वेंस की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सी प्लस प्लस मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं। सी प्लस प्लस मैनिपुलेटर का मतलब है, मैनिपुलेटर का बेसिकली मतलब है कि आप किसी भी फॉर्मेट को यूज करते हुए आउटपुट को डिफरेंट स्टाइल्स में प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ सी प्लस प्लस मैनिपुलेटर्स हैं, वो है एंडल, सेट डब्ल्यू, सेट डब्ल्यू का मतलब है सेट विड्थ और सेट प्रिसीजन। अब हम इनको नेक्स्ट देखते हैं। एंडल मैनिपुलेटर हमारे कर्सर को न्यू लाइन पे लेके जाता है, ये सेम बैक स्लैश की तरह काम करता है, इसका कोई पैरामीटर नहीं होता। जैसे कि मैंने लिखती हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था सी आउट हेलो बैक स्लैश एन और वर्ड, ये भी क्या करता है, बैक स्लैश एन और एंडल का सेम ही ऑलमोस्ट मीनिंग है, बैक स्लैश एन न्यू लाइन पे ले जाता है और एंडल भी लाइन ब्रेक करता है, ठीक है। इट वर्क्स टू बैक स्लैश एन स्किप सीक्वेंस। जैसे ये देखें, इधर इसको हेलो हेलो के बाद एंडल यूज करेंगे तो हेलो एक लाइन पे आ जाएगा और वर्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके देखी हुई है, जैसे कि सी आउट हेलो, उसके बाद एंडल एंड देन वर्ड, और फिर क्या आ जाएगा, सेमी कॉलन और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको रन करते हैं तो ये देखें,
एंडल मैनिपुलेटर बेसिकली ये काम करता है। हेलो के अंदर मैंने क्या लिखा था, एंडल, और उसके बाद क्या लिखा था, वर्ड। तो ये क्या है, एंडल जो है वो न्यू लाइन पे ले जाता है, ठीक है। लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है एंडल, बैक स्लैश एन और एंडल ऑलमोस्ट सेम फंक्शन इनका। उसके बाद हम देखते हैं सेट डब्ल्यू। सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर क्या होता है, सेट विथ डब्ल्यू मैनिपुलेटर का मतलब है सेट विथ। सेट विथ का मतलब होता है कि अगर आप अपने आउटपुट को दरमियान में लाना चाहते हैं या कहीं से भी आप अपने आउटपुट को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम सेट विथ का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसका एक प्रोग्राम करके देखते हैं। हम इसमें जो वैल्यू है वो कॉल वो स्ट्रिंग में भी ले सकते हैं और नंबर में भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास A 50 कॉलम्स है, तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरे 20 कॉलम से स्टार्ट हो जाए और 5 लाइन्स में मुझे आउटपुट मिले और बाकी की जो स्पेस है वो लेफ्ट साइड पे खाली छोड़ दे। बाकी जो मेरी स्पेस है वो लेफ्ट साइड पे है, वो मुझे खाली स्पेस छोड़ दे लेफ्ट साइड पे। इसके ना हम एग्जाम्पल वो देख करके देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। मैं हेडर फाइल ऐसे रहने देती हूँ। उसके बाद अच्छा एक और बात कि हम इसके हेडर फाइल में हैश इंक्लूड आयो मैनिपुलेटर का यूज करेंगे। आयो मैनिप का यूज करेंगे, आयो मैनिपुलेटर, क्योंकि हम लोग मैनिपुलेटर का टॉपिक पा रहे हैं इसलिए हम लोग अपने हेडर फाइल में एक और हेडर फाइल का इजाफा करेंगे, वो है हैश इंक्लूड आयो मैनिपुलेटर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन और उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन। अब मैं इधर एक इंटीजर वेरिएबल लेती हूँ एन, इंट एन इज इक्वल टू कोई सी भी वैल्यू ले लेती हूँ, 6657, ठीक है। इधर मैंने एक ये वैल्यू ली। अब उसके बाद एक अरे ले लेती हूँ, करेक्टर स्ट्रिंग अरे। उसके बाद इक्वल टू उसमें एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ हेलो वर्ड की, हेलो वर्ड, और एंड पे क्या है, सेमी कॉलन लगा लेती हूँ। अब उसके बाद सी आउट कोई से भी नंबर ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3, ठीक है, कोई से भी नंबर ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करेंगे और एंडल का। इसके बाद मैं लिखती हूँ सी आउट सेट डब्ल्यू, इस पे मैं वैल्यू लिखती हूँ 6 और बैक स्लैश एन, इंसर्शन ऑपरेटर एन, फिर इंसर्शन ऑपरेटर और एंड सी आउट सेट डब्ल्यू 19, देन इंसर्शन ऑपरेटर एन और एंड आ जाएगा, और एट द एंड क्या रिटर्न 0 आ जाएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आती है। एक दफा चेक कर लेते हैं कोई मिसिंग तो नहीं है कुछ। अब ये देखें मेरे पास जो आउटपुट आई है वो ये है, ये आउटपुट आई है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया है कि इसका हेडर फाइल में हैश इंक्लूड आयो मैनिपुलेटर का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग ये मैनिपुलेटर का टॉपिक पा रहे हैं तो इसमें मैनिपुलेटर भी हेडर फाइल का यूज़ करेंगे, मैनिपुलेटर हेडर फाइल का। उसके बाद मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया, उसको ये वैल्यू दे दिया, और एक अरे लिया करेक्टर स्ट्रिंग की हेलो वर्ल्ड की, ठीक है। उसके बाद मैंने सी आउट करवा दिया, 1 2 3 4 5 कोई सा भी नंबर आप सी आउट करवा सकते हैं। अब मैंने इधर क्या किया, सी आउट सेट डब्ल्यू, सी आउट सेट डब्ल्यू 6 और इंसर्शन ऑपरेटर एन। अब ये क्या करेगा कि ये 6 कॉलम पे जाके, वो 6 कॉलम पे जाके इंटीजर के 7 को प्रिंट कर देगा, फिर उसके बाद 5th कॉलम पे जाके 5 को प्रिंट कर देगा, फिर 6 को प्रिंट कर देगा और फिर 6 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। सिमिलरली सेट डब्ल्यू 19 क्या करेगा कि 19 कॉलम पे जाके
वो क्या करेगा, ये सॉरी इधर स्ट्रिंग लिखेंगे, इधर str 19 कॉलम में जाके वो स्ट्रिंग में जाएगा, उसके 19 कॉलम में जाके वो डी को प्रिंट कर देगा, फिर 18 पे एल को, फिर 17 पे आर को, और फिर 16 पे जीरो को, और फिर इसी तरह 15 पे डब्ल्यू को। ठीक है, बेसिकली ये काम करता है सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह इनका फंक्शन हमने लिखा और किस तरह इसकी इम्प्लीमेंटेशन की और आउटपुट निकली। ठीक, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सेट प्रिसीजन, सेट प्रिसीजन क्या होता है? सेट प्रिसीजन में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि इशारिया के बाद हमें इतनी वैल्यू शो हो, इतनी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इशारिया के बाद हम दो वैल्यू को शो करवाना चाहते हैं, तीन वैल्यू को शो करवाना चाहते हैं, या वन वैल्यू को शो करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सेट प्रिसीजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम इसका कोड देख लेते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। इसमें भी अभी मैंने मैनिपुलेटर का यूज़ होगा क्योंकि ये मैनिपुलेटर का ही टॉपिक है। उसके बाद मैंने हेडर फाइल वही रहने दिया। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, एक वेरिएबल लेती हूँ, डबल डबल आर कॉमा ए कॉमा बी सेमी कॉलर। उसके बाद ए की वैल्यू रख देती हूँ, ए इज इक्वल टू 32 4.67। उसके बाद क्या आएगा, सेमी कॉलर। उसके बाद बी इज इक्वल टू 56.89, सेमी कॉलन आ जाएगा। उसके बाद आर इज इक्वल टू ए डिवाइड बी, उसके बाद क्या आ जाएगा, सेमी कॉलन। अब इसके बाद सी आउट करवाती हूँ आर को, एंडल, फिर सी आउट करवाती हूँ, सी आउट फिक्स्ड सेट प्रिसीजन, सेट प्रिसीजन 6, इंसर्शन ऑपरेटर आर, और फिर इंसर्शन ऑपरेटर एंडल आ जाएगा। फिर सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर फिक्स्ड इंसर्शन ऑपरेटर सेट प्रिसीजन 5, और इंसर्शन ऑपरेटर आर और एंडल। फिर उसके बाद सी आउट फिक्स्ड सेट प्रिसीजन 4 आर और एंडल। इसके बाद क्या आ जाएगा, रिटर्न 0, और ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो ये देखें हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले हम लोगों ने दो तीन इंटीजर तीन वेरिएबल्स लिए हैं, डबल आर। डबल आर किस लिए यूज़ करते हैं? डबल आर हम इसलिए, इधर मैंने वेरिएबल लिया डबल आर, हमने पहले भी डाटा टाइप्स में पढ़ा होगा फ्लोट और डबल का। फ्लोट हम किस लिए यूज़ करते हैं, अगर हमें कोई भी पॉइंट के लिए 3.2, ठीक है, अगर हमें पॉइंट के बाद ज़्यादा वैल्यू चाहिए होती है तो उसके लिए हम डबल आर का यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने इधर एक वेरिएबल डबल आर लिया, और एक ए और बी। ए में मैंने क्या रख दिया, 32 4.67, ठीक है, और बी में 56.89, और फिर इन आर इज इक्वल टू ए प्लस ए डिवाइड बी। ठीक है, इनको डिवाइड करके मेरी जो आउटपुट है वो आर में मिल जाएगी, और ये जो आउट ये आउटपुट आई है 70698, ये मेरी आउटपुट है। ठीक है, अब उसके बाद
मैंने सेट प्रिसीजन कर दिया है कि 6 है। अब ये क्या करेगा कि ये 6 सेट प्रिसीजन को पॉइंटर के साथ 6 वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखें, ये 5.706978 है, ये क्या है, पॉइंट के बाद हमारे पास 6 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 5 सेट प्रिसीजन 5 फिक्स किया है कि पॉइंट के बाद मुझे 5 वैल्यू चाहिए, तो ये क्या है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह सेट प्रिसीजन 4 किया है तो ये क्या, पॉइंट के बाद मुझे 4 वैल्यू मिल जाएगी, 1 2 3 4, ठीक है। जो हम लोग इधर सेट कर देंगे प्रिसीजन की वैल्यू, उसी के अकॉर्डिंग हमें पॉइंट्स के बाद वो वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल इसके बाद में करती है सेट प्रिसीजन 3, तो वो क्या, पॉइंट के बाद मुझे 3 वैल्यू शो करके दे देता है, ठीक है। आई होप आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल है। हमने बस इसमें क्या किया है कि डबल आर, एक ये वेरिएबल लिया, एक ए लिया और एक बी लिया। ए और बी को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, उसकी जो आउटपुट है वो आर्मी आ जाएगी, ठीक है, डिस्प्ले होके आ जाएगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेट प्रिसीजन लगाया कि 6, कि पॉइंट के बाद मुझे 6 वैल्यू चाहिए, तो वो मुझे पॉइंट के बाद 6 वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद मैंने क्या किया, 5 सेट प्रिसीजन 5 फिक्स किया, तो वो मुझे पॉइंट के बाद 5 वैल्यू को डिस्प्ले करके दे देगा। इसके बाद मैंने 4 किया, तो वो 4 पॉइंट के बाद 4 वैल्यू को डिस्प्ले करके दे देगा। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। चलिए चलते हैं, एंड करते हैं अपना लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेगा।